नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की बहस। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। आम आदमी पार्टी के एक और बड़े नेता की गिरफ्तारी हो गई। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को आज ईडी ने गिरफ्तार किया। आज सुबह करीब 7 बजे ईडी की टीम संजय सिंह के आवास पर पहुंची थी। 10 घंटे के आसपास रही, खूब सवाल जवाब दिए और जब निकली तो संजय सिंह को साथ में लेकर। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की आगामी चुनाव में हार की बौखलाहट की भविष्यवाणी कर दी है। आम आदमी पार्टी ने साफ तौर पर कहा है कि गिरफ्तारी गैर कानूनी है। ये बता रही है कि बीजेपी बौखलाई हुई है। केंद्र के बड़े नेता, बीजेपी के बड़े नेता बौखलाए हुए हैं और ये 24 में हार रहे हैं। ये फ्रस्ट्रेशन है। आम आदमी पार्टी कहती है कि दिल्ली सरकार पर शराब घोटाले का आरोप झूठा है, फर्जी है। मनीष सिसोदिया की तरह संजय सिंह को भी फंसाया गया है, ये तो आम आदमी पार्टी कह रही है। अच्छा, इंडिया गठबंधन ने भी समर्थन किया, कहा कि ये बदले की कार्रवाई है, चुनावी कार्रवाई है, पॉलिटिकल विंडेटा की बात हो रही है। बीजेपी के हाथ एक बड़ा मुद्दा लगा है। बीजेपी गदगद है इस गिरफ्तारी से। वो कह रही है कि अभी तो सिर्फ मनीष सिसोदिया, संजय सिंह नहीं, कुछ और नाम भी शामिल होने वाले हैं। क्या होने वाला है ऐसा? वो कौन से नाम होंगे? क्या विपक्ष के और नेता गिरफ्तार होंगे, जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया? क्या ये गिरफ्तारी गैर कानूनी है? आज की रात लॉकअप में ही रहेंगे, ईडी दफ्तर ही रहेंगे संजय सिंह? क्या होने वाला और क्या 24 और 25 का संदेश इसमें छुपा हुआ है? आम आदमी पार्टी अपने सबसे बुरे दौर में आ गई है इस वक्त। अगर आप देखेंगे, बड़े नेता अगर कानूनी प्रक्रिया में उलझते हैं, तो आज हम इन्हीं सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। बने रहिए। बौखलाहट है, डेस्परेशन है, जिसमें अब इस तरीके के उलझुल काम केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों से करा रही है। और हर एक सरकार जो तानाशाही की तरफ बढ़ती है, उसके लक्षण होते हैं कि जब सत्ता जा रही होती है तो इस तरीके के कारनामे सामने आते हैं, और इसकी वजह से सत्ता बची किसी की नहीं है। जो संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया है, वो गिरफ्तारी भी बिना किसी सबूत के आज की गई है। ये गिरफ्तारी क्यों हुई है संजय सिंह जी की? इसलिए नहीं कि कोई सबूत है, इसलिए नहीं कि कोई शराब घोटाला हुआ है, इसलिए नहीं कि एक पैसे का भी भ्रष्टाचार का खुलासा कर पाई है ईडी और सीबीआई। आज संजय सिंह जी का अरेस्ट सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने खिलाफ आवाज उठाने वालों से डर लगता है, आम आदमी पार्टी से डर लगता है, संजय सिंह से डर लगता है। न जाने कितने अफसर इसमें लगे, लेकिन एक नया पैसा, एक फूटी कौड़ी आज तक बरामद नहीं हुई। ये दिखाता है कि घोटाला नहीं, ये कोई अनियमितताओं का केस नहीं, राजनीति से प्रेरित भारतीय जनता पार्टी जो 2024 के चुनाव हारने जा रही है, उस हार को सामने देख डरी हुई है, घबराई हुई है। ये एक बौखलाई हुई बीजेपी जो आने वाला चुनाव हारने जा रही है, उस हार के डर से आनन फानन में ये काम कर रही है। आज जो अचानक से गिरफ्तारी की गई है, उसके खिलाफ कल भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर पर 11 बजे प्रोटेस्ट किया जाएगा। इस तानाशाही के खिलाफ, भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए आवाज को बुलंद किया जाएगा। देश में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, इमरजेंसी का आगाज हो चुका है। भाजपा 2024 का चुनाव हार रही है, इंडिया की जीत हो रही है, उसी का फ्रस्ट्रेशन है। ये संजय सिंह जी के खिलाफ, सिसोदिया जी के खिलाफ एक धेले का सबूत नहीं, एक पैसे का मनी ट्रेल नहीं है। ये देश का पहला घोटाला है जिसमें 15 महीने बीत गए और एक चवन्नी नहीं मिली। 1000 रेड कर ली पर एक चवन्नी नहीं मिली, क्योंकि कुछ घोटाला किया ही नहीं। हम ये लड़ाई अब और पुरजोर तरीके से लड़ेंगे। हम अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं। हम भाजपा की ऐसी ट्रिक्स से, हरकतों से, डर्टी पॉलिटिक्स से नहीं डरने वाले।
तो सुना आपने सभी नेताओं की प्रतिक्रियाओं को। संजय सिंह की गिरफ्तारी पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेरा है, साथ ही कांग्रेस पर भी कुछ सवाल उठाए हैं, क्योंकि जो कांग्रेस कल तक खुद को विसल ब्लोअर कहती थी, आज कह रही है कि ये तो बदले की कार्रवाई हो रही है। अरविंद केजरीवाल, आप सोचिए हमारे कैसे कैसे महापुरुषों से करते थे, बेल नहीं मिल रही है, और आज संजय सिंह भी गिरफ्तार हुए। इनकी सारी बातों को देखिए और जिस प्रकार से ये लोग चिट्ठी लिखते थे, लगता था कि इनसे ज़्यादा ईमानदार कोई हो ही नहीं सकता। आज इन्हीं के साथी आरोपी इनके खिलाफ अप्रूवर बन गए हैं। ये गिरफ्तारी क्यों हुई? क्योंकि जिन्होंने पैसे दिए उन्होंने बताए हैं कि संजय सिंह के मार्फत अरविंद केजरीवाल को पैसे दिए गए हैं। ये निकल के आया है इसमें साक्ष्य, अब इसको कौन जुटला सकता है। बहरहाल संजय सिंह की गिरफ्तारी इस पूरे शराब घोटाले में सीधा सीधा ये बताता है कि अभी ये आँच सिर्फ संजय सिंह तक ही नहीं रहेगी, या मनीष सिसोदिया या सतेंद्र जैन तक, ये पक्का इनका सरगना अरविंद केजरीवाल ही दिखते हैं और ये आँच उन तक जाएगी। जांच एजेंसी के छापे के बाद दिल्ली कांग्रेस के नेता दुविधा में है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो प्रदर्शन करें या समर्थन करें, क्योंकि दिल्ली कांग्रेस जहां आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों को शराब घोटाले का दोषी बताती है, वही कांग्रेस के तथाकथित बड़े नेता संजय सिंह के यहां समर्थन करने पहुंचे हैं। मुझे तरस आता है इनकी स्थिति पे कि ये करें तो करें क्या, इनके लिए तो इधर खाई है उधर कुआ। लेकिन दिल्ली वाले जानते हैं कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों ने शराब में घोटाला किया है, दिल्ली की जनता को लूटा है, सच सामने आ रहा है। सुबह भी स्पष्ट किया था कि कांग्रेस किसी इरेगुलरिटी को सपोर्ट नहीं करती है, जो शराब घोटाले में दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन एजेंसीज का मिसयूज भी नहीं होना चाहिए कि अपने पॉलिटिकल हिट साधने के लिए सरकारें एजेंसीज का मिसयूज करें। ये कहा जा रहा है कि क्योंकि उन्होंने कॉपरेट नहीं करा था इसलिए अरेस्ट कर लिया, तो मैं समझता हूं कि आज ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि इस बेसिस पे अरेस्ट नहीं कर सकते। अगर वो दोषी हैं और उनकी इन्वॉल्वमेंट है तो जरूर अरेस्ट करना चाहिए। आज भी हमारा स्टैंड सेम है, मेरा ये है कि हम ये कह रहे हैं कि दिल्ली कांग्रेस का स्टैंड सेम है, पहले भी हम लोगों ने उठाया था ये स्कैम, कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन उस आड़ में आप एजेंसीज का आप अपने पॉलिटिकल एजेंडा पूरा करने के लिए इस्तेमाल ना करें, वो लोकतंत्र के लिए किसी भी तरीके से ठीक नहीं है।